हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्थिति है हमारे इस देश की, बहुत ज़्यादा जो है भयावह स्थिति है। आज हर तरफ जहाँ भी जाइए लोगों की चीखें सुनने को मिलती हैं। अगर आप हॉस्पिटल की तरफ अगर आप जाएं तो देखोगे कि पूरी चीज़ें इतनी ख़राब लग रही है। पूरा ऐसा देश लग रहा है कि एक अजीब सा जो है इस टाइम माहौल पूरे देश का बना हुआ है। मैं जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी से बस छोटा सा एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन आप सभी से कर रहा हूँ कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप प्लीज़ अपने घर से बाहर ना निकले। ये आप अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने घर को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आप देखते होंगे कि सिलेंडर नहीं है या अस्पताल में वो व्यवस्थाएं नहीं हैं कि लोगों को एडमिट किया जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप लोग क्या करिए कि अपने घर पर आप बढ़िया सा गिलोय का काढ़ा बनवाइए। जो भी आपके घरेलू जो नुस्खे हैं आप उनको अपनाइए। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ तक हो सके आप इसका पालन कीजिए। जहाँ तक हो सके, सारी चीज़ें कोई पालन नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सके कुछ चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हो तो ज़रूर करें। और इसको थोड़ा सा अलग 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 ग्रुप में भी आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि अच्छे से, क्योंकि आप लोग जब जाँच कराते, बहुत सारे लोग होते हैं जो जाँच कराते हैं वो भले ही पॉजिटिव हो जाते हैं तो उन्हें होम आइसोलेट कर दिया जाता है कि आप घर पे जाके आइसोलेट रहिए। तो आप लोग घर पे जो अगर कोई भी लोग हैं या आप लोग निगेटिव हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपने जो हैं घर पर इन सारी चीज़ों का यूज करिए ताकि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी अच्छी हो सके। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करें आज की जो हम लोगों का टॉपिक है कि जुलाई में होगी परीक्षा, हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मई के पहले सप्ताह में अगली तिथि तय होगी शासन के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला। गोरखपुर की न्यूज है। दीनदयाल उपाध्याय DDU, आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी का नाम, गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं शासन के निर्देश पर 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। अब मई के पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। हालात ठीक रहे तो 15 मई के बाद परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी। विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं मई में प्रस्तावित थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्धारित तिथि पर परीक्षा न कराने का निर्णय ले लिया, लेकिन परीक्षा कब से होगी इस पर संशय बना हुआ था। शुक्रवार को आए शासन के निर्देश में 15 मई तक परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए कहा गया है। लिखित परीक्षा के बाद होंगी प्रयोगात्मक परीक्षा, यानी कि जो प्रैक्टिकल वगैरह है, वाइवा वगैरह है, वो रिटर्न एग्जाम के बाद में होंगी। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को अब विश्वविद्यालय ने लिखित परीक्षा के बाद कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब प्रयोगात्मक परीक्षाएं जुलाई तक आयोजित होने की संभावना है। कोरोना संक्रमण के चलते एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मई के पहले सप्ताह में परीक्षा की अगली तिथि का निर्धारण किया जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षाएं अब लिखित परीक्षा के बाद कराने का निर्णय लिया गया है। फिर यहाँ पर लिखा है कक्षा एक के प्रवेश की प्रक्रिया पर कोरोना का ग्रहण। ये सारी न्यूज आप आराम से पढ़ सकते हो। अब आपको लग रहा होगा, बहुत सारे व्यूवर्स नीचे होंगे कमेंट करेंगे कि आप ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्यों दिखा रहे हो, मेरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो एक बात जान रहे हो आप सभी लोग, यूपी में जो चीज़ें एक यूनिवर्सिटी फॉलो करती है वो दूसरी भी धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। तो जो जो चीज़ें किसी भी यूनिवर्सिटी की आती हैं वो आपको यहाँ तक इस चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएंगी, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपकी यूनिवर्सिटी की भी न्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों से बस छोटी सी निवेदन है कि आपको सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग बस घर से बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी हो तो मास्क यूज करिए, बार बार सैनिटाइज करिए अपने हाथ को, ठीक है, और सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।